हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो वैसे कि आप सब जानते हैं WWE का जो नेक्स्ट पेपर भी है वो हेल इन अ सेल, जिसे होने में लगभग 2 हफ्ते से भी कम का टाइम बचा है। एंड गाइस, इस साल का हेल इन अ सेल का पेपर भी काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस बार हमें 2 नहीं बल्कि 3 हेल इन अ सेल मैचेस देखने को मिलेंगे। एंड आज की इस वीडियो में ये बात करने वाला हूँ कि WWE ने कौन कौन से मैचेस को ऑफिशियल कर दिया, इसके अलावा और कौन कौन से मैचेस हमें ऑफिशियल होते हुए दिख सकते हैं हेल इन अ सेल 2020 के लिए, यानी कि मेरी मैच कार्ड प्रेडिक्शन। तो सबसे पहले हम कुछ कंफर्म मैचेस से शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहला मैच जिसे WWE ने ऑफिशियल कर दिया वो एक हेल इन अ सेल मैच WWE चैंपियनशिप के लिए ड्रू मैकएंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच। तो हम सब ने इनके बीच मैच पहले भी देखा है क्लैश ऑफ चैंपियंस एंड समर स्लैम के पेपर व्यू में, जहां पर जीत हुई ड्रू मैकएंटायर की। लेकिन हो सकता है इस बार आपको रिजल्ट कुछ और आता हुआ दिखे, जिसकी वजह से इनके बीच हमें थर्ड टाइम मैच देखने को मिलने वाला है हेल इन अ सेल के पेपर व्यू में। इसके अलावा बात की जाए अपने नेक्स्ट मैच के बारे में, तो वो है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच बेली वर्सेस साशा बैंक्स के बीच, एंड ये भी होने वाला है एक हेल इन अ सेल मैच। अब हम सब काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि कब साशा बैंक्स एंड बेली की टीम टूटेगी, एंड फाइनली ये कुछ ही हफ्तों पहले हुआ है। एंड हम सब सोच रहे थे कि ये थिंग WWE समर स्लैम या फिर रेसलमेनिया के आसपास करेगी, बट उन्होंने अभी किया और कह सकते हैं काफी टाइम के बाद हमें वुमेन्स डिवीजन में एक पर्सनल फ्यूड देखने को मिल रही है, यानी कि ये मैच भी काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। इसके अलावा बात की जाए अपने नेक्स्ट मैच के बारे में, तो वो हमें देखने को मिलने वाला है कजन वर्सेस कजन रोमन रेंस वर्सेस जे उसो के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच। एंड ये हेल इन अ सेल मैच तो होने वाला, साथ ही साथ ये रहने वाला एक आई क्विट मैच, यानी कि इस मैच में एक तरह से डबल स्टिपुलेशन रहने वाली है, साथ ही साथ ये रहने वाला है यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच। और क्लैश ऑफ चैंपियंस में तो हमें इन दोनों का मैच देखने में काफी ज्यादा मजा आया, इसलिए लेट्स सी कि हेल इन अ सेल के पेपर व्यू में इन दोनों की तरफ से हमें कैसा मैच देखने को मिलता है। तो गाइस, ये तो थे वो मैच जिन्हें WWE ने अभी से ही ऑफिशियल कर दिया। बात की जाए और कुछ मैचेस के बारे में जो कि हमें हेल इन अ सेल के पेपर व्यू में देखने को मिल सकते हैं, तो सबसे पहला मैच जो हमें देखने को मिल सकता है वो है एक ट्रिपल थ्रेट मैच स्मैकडाउन सेवियर सेथ रॉलिंस वर्सेस डोमिनिक वर्सेस बडी मर्फी के बीच। अब हम सब जानते हैं सेथ रॉलिंस एंड बडी मर्फी दोनों की टीम टूट चुकी है और डोमिनिक बडी मर्फी के पीछे पड़े हुए, क्योंकि बडी मर्फी के पीछे उनकी सिस्टर आलिया पड़ी हुई है। तो जब ये तीनों के तीनों सुपरस्टार स्मैकडाउन में आ चुके हैं तो हो सकता है इनके बीच हमें एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल जाए हेल इन अ सेल के पेपर व्यू में, और फाइनली इनकी फ्यूड हमें एंड होते हुए दिखे। इसके अलावा बात की जाए अपने नेक्स्ट मैच के बारे में, देन वो हमें देखने को मिल सकता है स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस रॉबर्ट रूड एंड डॉल्फ ज़िगलर के बीच। अब आप सबको पता ही है स्ट्रीट प्रॉफिट्स स्मैकडाउन में आ चुके हैं, जो कि पहले रॉ टैग टीम चैंपियंस थे, बट न्यू डे एंड उन्होंने अपनी चैंपियनशिप एक्सचेंज कर ली और अब स्ट्रीट प्रॉफिट्स बन चुके हैं स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस। तो रॉ में हम सब जानते थे कि रॉबर्ट रूड एंड डॉल्फ ज़िगलर को रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी, एंड उन्हें मिली भी, बट वो न्यू डे के अगेंस्ट हमें मैच लड़ते हुए दिखे। लेकिन हो सकता है कि वो स्ट्रेट प्रॉफिट्स के अगेंस्ट फिर से स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मांग सकते हैं हेल इन अ सेल के पेपर व्यू में। एंड रॉबर्ट रूड एंड डॉल्फ ज़िगलर के चांसेस तो काफी ज्यादा है कि वो आपको काफी सारे टैग टीम चैंपियन बनते हुए दिखने वाले, इसलिए लेट्स सी ये मैच हमें देखने को मिलता है या फिर नहीं। इसके अलावा बात की जाए अपने नेक्स्ट मैच के बारे में, जो कि हमें देखने को मिल सकता है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए नाया जैक्स एंड सेना बेज़लर वर्सेस मैंडी रोज एंड डैना ब्रूक के बीच। तो आप सब जानते हैं ये दोनों की टीम बिल्कुल नई नहीं है, यानी कि ये चारों एक सोलो सुपरस्टार है, बट इन्हें टैग टीम डिवीजन पर डाल दिया गया है। और जब से रॉ में मैंडी रोज एंड डैना ब्रूक का ये WWE उन्हें काफी अच्छा खासा बुक कर रही है, और हम सब ने इनको हमने इनडायरेक्टली आमने सामने देखा, यानी कि चांसेस काफी ज्यादा है कि वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप की जो नेक्स्ट चैलेंजर होने वाली है वो कोई और नहीं, वो सकती है डैना ब्रूक एंड मैंडी रोज। इसके अलावा बात की जाए अपने नेक्स्ट मैच के बारे में, जो कि हमें देखने को मिल सकता है वो है एक सिंगल्स मैच मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस लिमिटलेस कीथ ली के बीच। तो इनके बीच हमने रॉ में मैच देखा था, बट वहां पर वो मैच डबल काउंट आउट के जरिए एंड हुआ, एंड इसके बाद इनके बीच हमने काफी जबरदस्त ब्रॉल भी देखा, यानी कि इनके बीच एक फ्यूड करवाने के WWE के अच्छे खासे चांस है, इसलिए हो सकता है कि इन दोनों का मैच हमें देखने को मिल जाए हेल इन अ सेल के पेपर व्यू में। इसके अलावा बात की जाए अपने नेक्स्ट एंड फाइनल मैच के बारे में, जो कि हमें देखने को मिल सकता है हेल इन अ सेल के पेपर व्यू में, वो हो सकता है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए बॉबी लेस्ली वर्सेस मुस्तफा अली के बीच एक सिंगल्स मैच, या फिर क्या पता हमें एक सिक्स मैन टैग टीम मैच देखने को मिल जाए रेट्रीब्यूशन वर्सेस हर्ट बिजनेस के बीच। क्योंकि आप सबको पता ही है अभी रेट्रीब्यूशन की फ्यूड एक तरह से हर्ट बिजनेस के साथ ही चल रही है, एंड हो सकता है अली या तो यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए हमें बॉबी लेस्ली को चैलेंज करते हुए दिख सकते हैं, या फिर हमें रेट्रीब्यूशन का कोई 3 मेंबर फेस करते हुए दिख सकता है पूरी की पूरी हर्ट बिजनेस को। सो गाइस, यही थे वो मैचेस जो कि आपको हेल इन अ सेल के पेपर व्यू में देखने को मिल सकते हैं एंड जो कुछ देखने को मिलने वाले हैं। और आप सबको पता ही है हेल इन अ सेल पीपीवी में आपको ज्यादा मैचेस तो देखने को नहीं मिलते, बट हाँ जितने भी देखने को मिलते हैं वो काफी ज्यादा जबरदस्त होते हैं। तो आप सब मुझे ये कमेंट करके जरूर से बताना कि आप इनमें से किस मैच के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है एंड आपको क्या लगता है हेल इन अ सेल के किस मैच में टाइटल चेंज होने के सबसे ज्यादा चांसेस है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।